दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई, लेकिन टिकटों को लेकर एक राय नहीं बनने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष ने दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई है। उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लेगी, लेकिन थोड़ा वक्त और लगने की उम्मीद है। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस की टिकटों को लेकर कांग्रेस चुनाव कमेटी की मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन टिकटों को लेकर पूरी तरह सहमति नहीं बन सकी। मीटिंग से बाहर आए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी है। ये बातें आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद यू, जो हमारी बातें ये होंगी वो आप मिस्टर जी से पूछिए AICC। पंजाब कांग्रेस की कैंपेनिंग कमेटी की इंचार्ज अंबिका सोनी ने कहा कि अशोक गहलोत एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, जिसके बाद दोबारा से उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर सोनिया गांधी ही लगाएंगे। डिस्कशन हुआ है, मोबाइल अभी कहीं नहीं, कोई फैसले नहीं। कब तक एक और बैठक होगी? और कब तक टिकट? हम लोगों को कुछ काम दिया गया है और जानकारी हासिल करने के नेक्स्ट मीटिंग कब मैम? अगले हफ्ते अशोक गहलोत डिसाइड करेंगे। कब तक हो जाएगी? अभी स्क्रीनिंग कमेटी की एक और बैठक होगी, उसके बाद पता। कांग्रेस में टिकटों को लेकर मंथन जारी है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 दिसंबर को टिकटों का ऐलान करने का दावा किया था, लेकिन उम्मीदवारों पर सहमति ना बन सकने के बाद 8 दिसंबर को CEC की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन दोबारा से गेंद स्क्रीनिंग कमेटी के पाले में चली गई। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सी मीडिया।